हेलो एवरीवन, इस पूरी सीरीज के अंदर हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे ऑन डिजिटल लॉजिक। और डिजिटल लॉजिक के अंदर जितने भी सिलेबस है, पूरा जो स्टार्टिंग से एंड तक हम पूरा टॉपिक जो है सब कवर करेंगे, और उसके साथ साथ हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी यहाँ पर कवर करेंगे। तो आई होप जो क्लासेस है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो आई थिंक यू नो माई नेम, माई नेम इज़ हिमांशु कौशिक, और मुझे गेट की फील्ड में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए बहुत टाइम हो चुका है। मैं इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस के साथ ऑलरेडी काम कर चुका हूँ, और सब पहली बार मैंने गेट एग्ज़ाम क्लियर किया था, दैट वॉज इन 2011-12। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि इसी फील्ड में मुझे लगभग 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। तो ऑब्वियसली हमारा जो एक्सपीरियंस है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, तो इसी वजह से आप जो हमारी क्लासेस है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मेरा कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं ऑन अन अकेडमी, तो अन अकेडमी पे मेरे पास दो तरह के कोर्सेज जो होते हैं। पहला जो है दैट इज़ कॉल्ड प्लस कोर्स, एंड सेकेंड इज़ आइकॉनिक कोर्स। तो प्लस कोर्स में स्पेशल ये है कि यहाँ पर इंडिया के बेस्ट टीचर्स यहाँ पर होते हैं, और साथ साथ में जो मेरी क्लासेस होती है काफ़ी इंट्रैक्टिव होती है, यानी कि आप और मैं क्लासेस के बीच में इंट्रैक्टिव या डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं। और साथ साथ में जब आप आइकॉनिक कोर्स में जाएंगे तो आइकॉनिक में स्पेशल है, स्पेशल ये है कि एक मेंटर आपके साथ हमेशा साथ रहेगा। तो मेंटर, जब भी आपको कोई भी डाउट रहेगा, आपको कोई भी नोट्स की ज़रूरत होगी या फिर आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत होगी, तो मेंटर हमेशा आपको सपोर्ट करेगा इन एनी वे। तो अगर मेरा कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं विद अन अकेडमी, चाहे आप प्लस ले या फिर आइकॉनिक ले, मेरा कोई भी कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं, जस्ट यूज़ अ कूपन कोड विच इज़ कौशिक 10, क्योंकि कौशिक 10 में आपको टोटल 10% ऑफ हमको मिल जाएगा। जस्ट यूज दिस एंड होप यू लाइक दिस। पूरी सीरीज जो है आपको बहुत अच्छी लगेगी, एंड थैंक यू सो मच। So let us discuss about decoders. Now these decoders are very important because in the previous year examination they have asked a lot of question based on decoders. Decoders के ऊपर काफ़ी questions आए हैं previous year examinations में, so obviously this is a very important topic. But before even moving forward, let us try to understand what is the difference between a multiplexer, demultiplexer, encoder and a decoder. इन चारों के बीच में डिफरेंस क्या है? वंस यू नो द डिफरेंस, देन एक्सप्लेनिंग दिस कॉन्सेप्ट विल बिकम मच इजियर। सो वी वेन वी हैव मल्टीप्लेक्सर्स, वेन वी स्टडी दिस मल्टीप्लेक्सर्स और यू कैन से मक्स, सो इन केस ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स यू हैव मैनी इनपुट्स, सो मे बी 1, 2, 3, 4, दिस इज अ 4x1 मल्टीप्लेक्सर। सो इट इज गोइंग टू हैव 4 इनपुट्स, इट इज गोइंग टू हैव one output and it is going to have two select line. This is the select line S0 and this is the select line S1. Based on these select lines, kin select lines ki value kya hai, based on these select lines we are going to give one of these inputs as an output, correct? Then we covered demultiplexers, fir humne demultiplexers ko cover kiya tha. In case of demultiplexers we have one input and many outputs. So this is representing one input and here we are having four outputs, right? So it is 1x4 demux. Ye 1x4 demultiplexers hain, and here again we have two select line. We have a select line S0 and we have a select line S1, correct? In the same way we have encoders and we have decoders. So when I'm right now I'm starting with decoders. Abhi main decoders ke sath start kar raha hu. So in case of decoders here, when I say that we have a 2x4 decoders, we have a 2x4 decoder. So in this 2x4 decoder, we are going to have two input lines and we are going to have four output lines. But there is no select lines. 2x4 decoders के अंदर, decoder के अंदर आपके पास two input line होंगी, आपके पास चार output line होंगी, लेकिन यहाँ पर कोई भी select line नहीं होगी. We do not use any kind of select lines in case of decoders. Then we have encoders. फिर आपके पास encoders आते हैं. So in case of encoders, they are more like multiplexers where we are going to have four input lines, we are going to have two output lines. So it is 4x2 encoder. ये जो encoder है ये एक 4x2 encoder है, right? So you can see there is a very much lot of similarity between multiplexers and encoders, between demultiplexers and decoders. So basically in case of multiplexers, based on these values of select line we select which of these inputs should be given as output, correct? But in case of decoders what we do here is, based on these input lines, kin input line ki value kya hai, so maybe we have input value as 0 and this is the input value as 1, right? So based on these input line
we tell which of these output line should get an output as 1. इनमें से किस output line का जो output है वो 1 है. तो यहाँ पर difference है, this is basic difference in the functionality. यहाँ पर इनके सो मल्टीप्लेक्सर भी सेलेक्ट कि कौन से इनपुट को हमें आउटपुट देना है. सो हियर इफ वी गिव इनपुट एज ए, व्हाटएवर द वैल्यू ऑफ ए इज, ए की वैल्यू 0 भी हो सकती है, ए की वैल्यू 1 भी हो सकती है, व्हाटएवर द वैल्यू ऑफ ए इज, आई वांट टू गिव दिस आउटपुट ऑन द बेसिस ऑफ सेलेक्ट लाइन, राइट. बट यहाँ पर हम एक तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो इनपुट लाइन्स हैं, दीज इनपुट लाइन्स इटसेल्फ आर वर्किंग एज अ सेलेक्ट लाइन, एंड हियर इन हियर एज अ इनपुट हियर गिविंग एज वैल्यू एज 1. ठीक है, तो अब इसका डी मल्टीप्लेक्सर्स और डिकोडर का एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप है. हाउ कैन यू से यू हैव अ क्लोज रिलेशनशिप हियर इन केस ऑफ डिकोडर्स, और यू कैन से इन केस ऑफ डी मल्टीप्लेक्सर, इफ आई पास 1 हियर, अगर मैं इनपुट पे 1 पास करता हूँ, एंड इफ आई से दैट दीज सेलेक्ट लाइंस विल एक्ट एज ए इनपुट, अगर मैं सेलेक्ट लाइंस को एज ए इनपुट की तरह पास करूंगा, देन दिस डी मल्टीप्लेक्सर विल बिकम अ डिकोडर. ये जो डी मल्टीप्लेक्सर है ये एक डिकोडर बन जाएगा, राइट. सो वेरी सिंपल, इन मल्टीप्लेक्सर as a input just pass 1 and then make these select lines as a input line, then you will get, you know, that output. So again, let us try to understand ki kaise implement karna hai. First let us see the implementation, then I think you will see the difference here. Aapko jo difference hai wo pata chal jayega. Okay, so I think you understood this one. Aapko concept to samajh mein aa gaya hoga. So let us see this one. To hamare paas jo concept hai, this is the concept of decoder. This is the concept of decoder. Okay, so in this decoder we have the input lines. So this is input 0, this is representing the input 1, there is no select line here, and here this is the outputs. So we have 4 outputs. We have output 0, we have output 1, we have output 2, and we have output 3. So you can see this table is also very much very closely related to the table of demultiplexers, right. तो अगर इनपुट दोनों जीरो हैं, देन दिस शुड हैव आउटपुट 1, अदर्स शुड हैव एन आउटपुट 0. अगर इनपुट यहाँ पर 1 0 है, देन दिस शुड हैव एन आउटपुट 0, दिस शुड हैव एन आउटपुट 1, अदर्स शुड हैव आउटपुट एज 0. इफ द इनपुट इज 0 1, देन दिस शुड हैव द इनपुट एज 0, आई मीन आउटपुट एज 0, आउटपुट एज 0, आउटपुट एज 1, आउटपुट एज 0, एंड द इनपुट इज 1 1, देन ओनली आउटपुट 3 शुड बी 1, अदर्स शुड बी 0. ओके, so what is the equation for each of these outputs? Output 0 ki equation kya hai? This is I naught complement and I 1 complement. What is the equation for output 1? Output 1 ki equation kya hai? That is I naught and I 1 complement. What is the equation for output 2? It is I naught complement and I 1. And what is the equation for output 3? It is I naught as well as I 1. Ye jo hai, ye aapke paas I naught aur I 1 hai. So you can see we got equation for each of these outputs, but in these outputs we do not have any select line. यहाँ पर जो भी आपके पास output की equation आई है, यहाँ पर आपके पास कोई भी select line नहीं है, right? Because we do not use any kind of select lines in decoders. So simply to represent all of these 4, I can just use 4 AND gates. So AND gate number 1, AND gate number 2, AND gate number 3, AND gate number 4, right? So this is output 0, output 1, output 2, and output 3. So you know of each of this, I just want to give this input 0 in complemented as an uncomplemented form. So main kya kar sakta hun? What I can do here simply, I can say that this is representing your input 0 and this is representing your input 1. Ek input 0 ko represent kar raha hai aur dusra aapke paas input 1 ko represent kar raha hai. So I can, in case of output 0, I can give both of them as uncomplemented form. In case of output 1, I can give input 0 as it is, but input 1 as a complemented form. In case of output 2, I can give this input 1 as it is and input 0 as complemented form. In case of output 3, I can give both of them as it is. So we can see this is representing, this is a very simple diagram, it's a very simple concept of your decoder, right? यहाँ पर simply हम लोग क्या कर सकते हैं? Whatever this is, I'm just going to pass is it as input, and here I'm going to pass it as input, and I'm going to put this everything inside a box. मैं इसको इस तरीके से एक box के अंदर रख दूँगा. So if I'm going to put this everything inside a box, now this will become a 2x4 decoder. ये आपके पास एक 2x4 decoder है. And you can see creating this kind of decoder is such an easy task. इतना आसान है decoder को बनाना, इतना आसान है decoder को समझना.
एंड विद दिस डिकोडर आई कैन ऑल्सो यूज एन एनेबल इनपुट. मैं यहाँ पर एक एनेबल इनपुट को भी दे सकता हूँ. सो दैट इज योर चॉइस इफ यू वॉन्ट टू यूज एन एनेबल इनपुट और नॉट. सो इफ आई जस्ट वॉन्ट टू यूज एन एनेबल इनपुट, सो आई कैन से दिस इज द एनेबल लाइन. सो विद दिस एनेबल लाइन आई कैन गिव दिस एनेबल लाइन टू एवरी वन लाइक दिस. सभी को एनेबल लाइन में एज इट इज दे दूंगा. एंड इफ दिस एनेबल लाइन इज जीरो देन ऑल द आउटपुट्स विल बी जीरो. इफ द एनेबल लाइन इज वन देन ओनली दिस विल स्टार्ट वर्किंग. तभी ये यहाँ पर काम करना स्टार्ट करेंगे. ओके, सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस डायग्राम. अब आपको ये जो डायग्राम है डिकोडर का, इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा. इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम हियर एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस ट्रूथ टेबल ऑल्सो. आप इस ट्रूथ टेबल को भी समझ सकते हैं बिकॉज इन दिस ट्रूथ टेबल वी हैव ऑल्सो टेकन एनेबल लाइन. हमने यहाँ पर एनेबल लाइन भी लिया है. सो इफ द एनेबल इनपुट इज जीरो देन दिस डिकोडर विल नॉट वर्क. Only if the enable input is 1, then only the decoder will work. Otherwise, decoder will not work. ठीक है, decoder जो है बहुत ही आसान concept है. It's very easy concept. The only thing that makes it difficult in the examination is the, you know, level of questions. देखो क्या होता है in your examination. It is not the, you know, subjects which are difficult, right? आपके questions भी difficult नहीं होते. It is not the questions that are difficult. It is the options that make the questions difficult. जनरली जो ऑप्शंस होते हैं वो क्वेश्चंस को डिफिकल्ट बनाते हैं. लेट मी एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. देखो व्हाट हैपेंस इज, लेट मी आस्क यू वेरी गुड क्वेश्चन. आई कैन से दैट व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ टू मून. डिस्टेंस बिटवीन अर्थ टू मून, अर्थ से लेकर मून के बीच में क्या डिस्टेंस है. ऑप्शन नंबर ए, सो डिस्टेंस इज 32,648 किलोमीटर्स. ऑप्शन नंबर बी 37,649 किलोमीटर्स. ऑप्शन नंबर सी 36,449 किलोमीटर्स. ऑप्शन नंबर डी 35,242 किलोमीटर एंड ऑप्शन नंबर ए नन ऑफ द अबव. नाउ आंसरिंग दिस क्वेश्चन विल बिकम वेरी इजी, नॉट वेरी डिफिकल्ट. आंसरिंग दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट. व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज टू आंसर दिस क्वेश्चन यू शुड नो द एग्जैक्ट वैल्यू. आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता होना चाहिए कि अर्थ से लेकर मून तक की डिस्टेंस कितनी है. देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर इट, बिकॉज ऑल दिस ऑप्शंस आर वेरी मच क्लोज टू ईच अदर. हर एक जो ऑप्शन है उसमें बस छोटा सा डिफरेंस है और वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज है. बट हाउ कैन आई मेक दिस क्वेश्चन एज ईजी. मैं इसको ईजी कैसे बना सकता हूँ. हाउ कैन आई मेक दिस क्वेश्चन एज ईजी. सो लेट मी ट्राई टू से इट. लेट अस अज्यूम दैट द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 36,468 किलोमीटर. आई डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट डिस्टेंस बट आई एम जस्ट टेकिंग एन इमेजिनरी नंबर. द सेकंड डिस्टेंस इज 1 किलोमीटर, द थर्ड डिस्टेंस इज 1 मीटर एंड द फोर्थ ऑप्शन इज 64 किलोमीटर्स. नाउ यू कैन सी जस्ट इवन इफ यू डू नॉट हैव एनी नॉलेज अबाउट द टॉपिक. आपको इसके केस में ज़्यादा नॉलेज नहीं है. इवन इफ यू डू नॉट हैव एनी नॉलेज अबाउट द टॉपिक स्टिल यू कैन से दैट ऑप्शन नंबर ए इज एन करेक्ट आंसर. राइट, सो इट इज नॉट द क्वेश्चंस दैट आर डिफिकल्ट. क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते बट इट इज द आंसर्स दैट मेक द क्वेश्चंस डिफिकल्ट. ओके, नाउ इन केस ऑफ डिकोडर्स ऑल्सो, इन केस ऑफ एनकोडर्स ऑल्सो, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिकोडर एंड कोडर इज वेरी सिंपल. इट इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट बट हाउ दे आस्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट दैट विल मेक इट डिफिकल्ट. ओके, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. तो यहाँ पर क्या बोला गया है, दे आर सेइंग इंप्लीमेंट द बुलियन फंक्शन यूजिंग 3x8 डिकोडर. हमें इस बुलियन फंक्शन को एक 3x8 डिकोडर के साथ इंप्लीमेंट करना है. एंड हाउ कैन आई इंप्लीमेंट इट, वेरी सिंपल. सो यू कैन सी दिस बुलियन फंक्शन इज बेसिकली अ 3 variable फंक्शन. सो इफ आई टेक, वी हैव अ वेरिएबल ए, वी हैव अ वेरिएबल बी, वी हैव अ वेरिएबल सी एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर फंक्शन एफ. सो द वैल्यूज आर 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 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
we have 2, we have 3, and we have 7. In all other locations, they are taking a value 0. Baki sabhi location par yahan par jo value hai, wo 0 hai. Now, in this case, I can simply take a decoder here. Ab ye jo decoder hai, this is a 3 cross 8 decoder because it is going to have 3 inputs and it is going to have 8 outputs. Right? These are the 8 outputs, correct? Now, in these 3 inputs, I am going to pass ABC. Main ABC ko in 3 inputs mein pass karunga, correct? So, if this is the input I0, this is the input I1, this is the input I2, then I can pass A, B and C here. And accordingly, I have to tell what are the outputs. Output kaun si location pe hai? This is having an output.
1, this is also having an output 1, and then this is also having an output 1, and then this is also having an output 1, and then I can use an OR gate based on this. आप यहाँ पर एक OR gate का use कर सकते हैं. ओके एंड दिस वन मोर इम्प्लीमेंटेशन, आप एक और तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ जस्ट यूजिंग OR gate, इंस्टेड ऑफ जस्ट यूजिंग एन OR gate, वट इफ आई जस्ट यूज वन लाइन, मैं सिर्फ एक लाइन का यूज करूँगा. सो लेट मी शो यू दैट. ठीक है, तो कैसे हम लोग कर सकते हैं. सो वट इफ आई जस्ट यूज वन लाइन, आई कैन यूज अ लाइन इन दिस मैनर, आई कैन ड्रॉप अ लाइन हियर, एंड इन दिस लाइन आई कैन कनेक्ट इन द इन दिस लोकेशन, आई कैन गिव अ कनेक्शन इन दिस लोकेशन, आई कैन गिव अ कनेक्शन इन दिस लोकेशन, एंड देन आई कैन गिव अ कनेक्शन इन दिस लोकेशन. सो वेन एवर, बिकॉज अकॉर्डिंग टू वन इनपुट ओनली वन आउट लाइन विल बी एन आउटपुट, राइट, सिर्फ एक ही लाइन एक्टिवेट होगी. So for any input, only one line will be activated as an output. So if let us suppose we are giving the input as 100, if this is the input, that means only this line will be activated and all the other lines will be zero. So only if only this line will be activated, then here in this function f, you will get the output as 1. So yahan par aapko output 1 milega. So is tarike se aap ek decoder ko implement, से फंक्शन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं. यू कैन सी द सेम थिंग हियर. तो हमने क्या किया, आइदर यू कैन यूज OR गेट, या तो आप यहाँ पर एक OR गेट को यूज कर सकते हैं, या फिर आप एक लाइंस को यूज कर सकते हैं. सो दैट विल बिकम प्रोग्रामेबल, तो आप उससे प्रोग्रामेबल भी बना सकते हैं. ओके, सो दिस इज सेकेंड क्वेश्चन हियर. सो इन दिस क्वेश्चन देर आर सिंग डिजाइन अ फुल एडर सर्किट यूजिंग अ 3x8 डिकोडर. आपके पास एक 3x8 डिकोडर है, और इस 3x8 डिकोडर से हमें एक फुल एडर सर्किट को इंप्लीमेंट करना है. तो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, राइट ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ ए बी सी, देन राइट द इक्वेशन फॉर कैरी, राइट द इक्वेशन फॉर सम. अब जहां जहां पर कैरी 1 है, सो कैरी इज टेकिंग अ वैल्यू 1 एट द लोकेशन 6, 7 एंड 4. सो दैट मीन्स टेक द लोकेशन 6, 7 एंड 4 एंड जस्ट यूज देम एज ए, आई थिंक फॉर कैरी वी आर हैविंग, कैरी के लिए कौन कौन सी इक्वेशन है आपके पास, 1, 1, 1. तो तीन जगह पर कैरी 1 है आपके पास, राइट. सो फॉर दिस कैरी I can take one from three locations, but I think they have, I think in this diagram something is mistaken. तो कुछ mistake है, let me also sort it out. So यहाँ पर अगर आपके पास carry यहाँ पर one हो सकता है, we can have a carry here one, we can have a carry one. So only three locations can have a carry one. This is a location 7, this is a location 6, and this is a location 4. So I can take this 4, मैं इस 4 को ले सकता हूँ, and I can give this 4 in this. सो आई थिंक द सम प्रॉब्लम हियर, बिकॉज यहाँ पर जो सम है, एक और इक्वेशन यहाँ पर मिसिंग है, दैट इज 1, 1, 1, एक और एक्सप्रेशन मिसिंग है 1, 1, 1. सो विद दिस हेल्प ऑफ 1, लेट मी चेक, सो दिस इज 1, 1, 1. सो इफ इट इज 1, देन कैरी इज 1 एज वेल एज सम इज 1. सो दैट मीन्स कैरी इज टेकिंग अ वैल्यू 1 इन द लोकेशन 7, 6, 5 एंड 3. तो 7, 6, 5 एंड 3 पर कैरी की वैल्यू 1 है, एंड सम इज हैविंग अ वैल्यू 1 एट द लोकेशन 1, 2, 3, 4, 7. तो 1, 2, 4 पर सम की वैल्यू 1 है, राइट. सो इफ आई वॉन्ट टू टेक कैरी, सो कैरी शुड बी कनेक्टेड टू 3, 5, 6 एंड 7. दीज आर द लोकेशन वेयर कैरी शुड बी कनेक्टेड. इन द सेम वे सम शुड बी कनेक्टेड टू 1, 2, 4 एंड 7. सो 1, 2, 4 एंड 7, एंड आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट अ OR गेट देयर. तो यहाँ से जो भी आउटपुट आएगा, सो दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट सम, एंड दिस आउटपुट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट अ कैरी. Now you can see using this decoder, it is very easy to implement such kind of functions. इस तरह के functions को implement करना decoder के साथ बहुत ही आसान है. So we'll take some previous questions regarding decoders. Let me cover these topics once. Let us first go through these topics and then I will also cover previous questions. तो आपके काफ़ी doubts, काफ़ी problems उससे answer हो जाएंगे. Okay? So let us meet in the next video. Now let us go through encoders. Now these encoders are opposite of decoders. So whatever functions decoders do, encoders do just the opposite of that. So if you see the diagram of an encoder, you can see there are, if there are n output lines, then you are going to have 2^n input lines. So agar aapke paas n output lines hain, to aapke paas 2^n input lines hain. Now let us try to design an encoder here. So I'm going to design a 4x2 encoder. So this is a 4x2 encoder. So that means we are going to have 4 input lines. This is the input line I0, this is the input line 1, this is the input line 2, and this is the input line 3. And we are going to have 2 output lines. So this is the output line 0 and this is the output line 1. Okay.
Now when I discuss about these encoders, so there are two kinds of encoders. हमारे पास जो encoders हैं वो दो तरह के हैं. So there are two kinds of encoders. Number one is the kind of encoders which are non-priority based. यानी कि जो आपके non-priority encoders हैं, right? And secondly, we have something called as a priority encoder. Priority encoder. So we are going to look at both of them one by one. हम दोनों के बारे में एक एक करके discuss करेंगे. We are going to look at both priority encoders as well as non-priority encoders here. ठीक है? So first, let us go through this non-priority encoder. सबसे पहले हम लोग यहाँ पर non-priority encoder के बारे में discuss करेंगे. This is non-priority encoder. Non-priority encoder. Okay. So here, according to the input lines, यानी कि आपकी क्या input line है, whatever the value of your input lines, you are going to give your output lines. ठीक है? So if in this case, these are the input lines. We have input 0, we have input 1, we have input 2, and we have input 3. And these are the output lines. We have output 0 and we have output 1. Okay, now look at very, very carefully. When input 3 is active, then I want both these outputs to be 1. Okay, that means if I have 0, 0, 0, 1, then I want the output as 1, 1. If I have 0, 0, 1, 0, then I want the output as, so this is 0, 1 here, right? So we can all see the order. So here, order kya hai? Aap order dekh sakte hai. So here, output 0 is representing the most significant bit and output 1 is representing the, so output 0 is representing the least significant bit and output 1 is representing the most significant bit. Or I can also change it because I want it for simplicity purpose. Mujhe simplicity purpose ke liye chahiye, so I can do it this way. I can change it output 1 and this is output 0. Then I can say, then this will be 1, 0. Okay. If I have 0, 1, 0, 0, in that case, it should be 0, 1. If I have 1, 0, 0, 0, it should be 0, 0. So this is what I want as an output. So is tarike se hume yahan par output chahiye. So in this manner, you can get an equation for output for this. These outputs, तो इस तरीके से आप इन outputs के लिए यहाँ पर equation find out कर सकते हैं. So if you try to find out the equation for output 1, अगर हम यहाँ पर output 1 की equation find out करेंगे, now what is the equation for output 1? So this output 1 is having a value 1 only if output 3 is active and others are deactivated. यानी कि output 1 की जो value है 1 कहाँ पर है? When we have output 3 here which is active and all the other output, that output 2, output 1, sorry input 2, input 1, input 0, all of them are in uncomplemented form. And it is also having a 1 when output 2 is active. Yani ki, if we have output 2 here, okay, I mean input, sorry, I'm so sorry. So output 1 is also active whenever we have only input 1 is active. Yani ki, yahan par, when your input 3 is deactivated, input 1 is also deactivated, input 0 is also deactivated. If you check out this expression, can you minimize this expression? Kya hum is expression ko minimize kar sakte hain? Maybe you can minimize it. This minimization may be still possible. So what you can do here is, you can take I naught complement and I1 complement as common. Then inside you will get I3, I2 complement plus I3 complement I2. So which is basically equivalent to your XOR gate. Ye ek XOR gate hai. So this is I naught complement and I1 complement. Here we have I2 XOR I3. तो ये जो है एक्सप्रेशन, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट 1. तो ये जो एक्सप्रेशन आपके पास है, ये आउटपुट 1 की एक्सप्रेशन हमारे पास आई है. क्लियर है सभी के साथ? इज इट क्लियर विद एनीवन? इज देयर एनीवन हु इज हैविंग एनी डाउट्स व्हाटसोएवर? ठीक है, क्लियर. नाउ इन द सेम वे आई कैन ऑल्सो गेट एन एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट 0. इसी तरीके से मेरे पास आउटपुट 0 की भी एक्सप्रेशन आ सकती है. ठीक है, सो इफ आई टेक दिस आउटपुट 0 हियर, अगर मैं यहाँ पर आउटपुट 0 को लूँगा, सो दिस एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट 0 विल बी आई ज़ीरो कॉम्प्लीमेंट आई वन कॉम्प्लीमेंट आई टू कॉम्प्लीमेंट आई थ्री प्लस इट इज़ ऑल्सो हैविंग वन इन दिस वैल्यू विच इज़ आई नॉट, दिस इज आई नॉट कॉम्प्लीमेंट प्लस आई वन आई मीन डॉट आई वन डॉट आई टू कॉम्प्लीमेंट डॉट आई थ्री complement. So in this manner I can get this expression, and in this expression again you can see that we can take I naught complement as well as I can take I2 complement as common, and then I will get
I1 complement I3 plus I1 I3 complement, which is equal to I0 complement I1 I2 complement, and this is I1 XOR I3. ये I1 XOR I3 के equal होगा. This is how you can get this expression. तो इस तरीके से आपके पास ये expression यहाँ पर आ सकती है. ठीक है, is it clear? ठीक है, now if it is clear, so by looking at these expressions you can easily implement this encoder. इस implement encoder को आप easily इस expressions की help से implement कर सकते हैं. You can also try to minimize this expression. You can also try using a k-map, and based on the k-map you can try to minimize these expressions here. Okay, fine. So next one is your priority encoder. Just do one thing, make note of these things. Iska note banate rahe, and as soon as if you have any doubt let me know, and let us discuss about the second one is your priority encoder. Priority encoder ko hum log samajhte hain. Okay, so this topic is priority encoder. Priority encoder. Okay, अब देखो प्रायोरिटी एनकोडर क्या है. व्हाट डू आई रियली मीन टू से बाय प्रायोरिटी एनकोडर. सो इन योर प्रायोरिटी एनकोडर, दिस इज योर एनकोडर. ओके, एंड इट इज अ 4x2 एनकोडर. इट इज गोइंग टू हैव 4 इनपुट्स. सो इनपुट 0, इनपुट 1, इनपुट 2, एंड दिस इज इनपुट 3, एंड दिस इज योर आउटपुट 0, एंड दिस इज प्रेजेंटिंग योर आउटपुट 1. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन a simple that is non-priority encoder and a priority encoder? In case of your priority encoder, if more than one inputs are activated, then we should tell which of these inputs is having a higher priority. अगर आपके पास एक ज़्यादा input एक समय पर activated है, जैसे कि what if we are getting a value 1 here, what if we are also getting a value 1 here? So in two inputs we are getting a value 1. अगर आपके पास दो inputs के अंदर value 1 है, so which of these inputs should have a priority? आप में दोनों में से हम किस इनपुट को प्रायोरिटी दे. सो दैट इज योर प्रायोरिटी एनकोडर. तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पर वी विल कॉल इट एज ए प्रायोरिटी एनकोडर. ओके, सो फॉर दिस प्रायोरिटी एनकोडर वी हैव टू क्रिएट एन एक्सप्रेशन. तो इसके लिए एक्सप्रेशन कैसे बना सकते हैं? सो आई हैव 4 इनपुट्स हियर, सो लेट मी राइट दिस इनपुट्स इन दिस मैनर. सो आई एम गोइंग टू राइट इनपुट 0, इनपुट 1, इनपुट 2 एंड इनपुट 3 हियर, एंड देन आई हैव टू राइट द आउटपुट 1 एंड दिस इज द आउटपुट 0. तो हमारे पास कुछ आउटपुट है, आपके पास आउटपुट 1 है और आपके पास आउटपुट 0 है. ओके, नाउ आई कैन टेल, आई कैन आस्क समबडी, सर व्हाट इज द प्रायोरिटी आई वांट, मतलब आपको क्या प्रायोरिटी चाहिए. ओके, सो हियर आई एम ट्राइंग टू से लेट अस अज्यूम दैट दिस इनपुट 3 इज हैविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी. इट इज हैविंग मोर प्रायोरिटी एज कम्पेयर टू इनपुट 2. Input 2 is having more priority as compared to input 1. Input 1 is having more priority as compared to input 0. ठीक है, clear? Now what do I mean to say by this? मैं इसे क्या कहना चाहता हूँ? It means if input 3 we are having a value 1, input 2 we are having a value 1, and input 0 we are having a value 1. So if 3 inputs are having a value 1, then I will give more priority to the input 3. मैं यहाँ पर input 3 को priority दूंगा, and I will give the output according to the input 3. Okay, so that means if input 3 is having value 1, it doesn't matter if other inputs are having any value. Matlab jaise input 2 can have a value 0, input 2 can have value 1, input 1 can have a value 0, input 1 can also have a value 1. To inki kuch bhi value ho sakte hai, they can have whatever values they can have. I can always give the output as 1 1. Correct. Now I can say if the input 3 is 0 but input 2 is 1, and here input 1 and 0 can have any values, they can have any values, then I can give the output as 1 0. If input 3 is 0, input 2 is 0, and input 1 is having a value 1, then input 0 can have any value whatsoever. I want the output as 0 1. In the same way, if input 3 is 0, input 1 is 2 is 0, input 1 is 0, and then input 1 0 is 1, then I want the output as 0 0. This is how I can create a table. Now using this I can create an expression. यहाँ पर इसकी help से हम एक expression को बना सकते हैं, and I can create an expression such a way that this values can be minimized, कि जो values हैं ये हमारे पास minimize की जा सके. I can create expression in that sense. ठीक है, so how can I get this expression? हम इसको expression को कैसे ले सकते हैं? I can find out an expression for output 1, I can make a k-map, I can find out this expression, as well as I can also find out the expression for output 0, I can make a k-map, and I can also find out that expression.
And if you will solve this expression, then you will say that this value is representing I3. This value here, it is also representing I3. And this value here, ye jo value hai aapke paas, this is representing I1 dot I2 complement, I3 complement. And this value here, it is representing I3 complement and I2. Okay, so that means equation for output 1 will be I3 plus I3 complement and I2. Okay, and the equation for output 2 ki equation kya rahegi? The equation for output 2 is going to be output 2 is going to have an expression which is I3 plus I, this is basically I1, right? So this is I1 dot I2 complement dot I3 complement, right? This is also I3 complement, fine. So this is the way you can get the expressions for both of them. Aap is tarike se inke expressions ko le sakte hain. And why haven't got these expressions? Ye jo dusri values hain, hame in sabhi ki expressions kyun nahi mili? So this is a very good question. Ye kafi acha question aap sabhi ke liye ki yahan par ye jo values hain, why these are don't care conditions obviously. So basically what you can do is, because these are don't care conditions, and when you are going to make a k-map, in that k-map they can take any values. Yahan se ya to values aap 0 bhi assume kar sakte hain, you can take their values as 1, right? So if you can make a k-map for input output 1, to aap output 1 ke liye k-map bana sakte hain. So this is representing a k-map, right? Like this, you can make a k-map like this for output 1. And here you can take, this is input I0, this is input I1, here you can take, this is input I2, this is input I3, and you will see that most of these values are don't care conditions. Yahan par zyada tar jo values hongi wo don't care conditions hongi, and only this value I1, I3, only this will be having a value 1. When you will find out the equation for this, so in that equation you will find out this, this is representing only I3. To jo aapka jo expression banegi, the expression for this output 1 is going to be I3 plus I3 complement dot I2. तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बनेगी. उसी तरीके से यू कैन ऑल्सो फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर आई टू आउटपुट, सॉरी यू कैन ऑल्सो फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट जीरो. अब यहाँ से आउटपुट जीरो के लिए भी एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. दिस एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट जीरो विल बी समथिंग लाइक दिस. इस तरह से आपके पास आउटपुट जीरो की भी एक्सप्रेशन यहाँ पर आ जाएगी. ओके, सो एंड यू कैन स्टिल मिनिमाइज दिस एक्सप्रेशन. इन सभी एक्सप्रेशन के लिए अंदर मिनिमाइजेशन अभी भी पॉसिबल है. फॉर एग्जाम्पल हियर you can distribute I3, so then this expression will be I3 plus I2. ये जो expression है I3 plus I2 हो जाएगी. And in the same way you can also distribute I3 here. यहाँ पर भी आप I3 distribute कर सकते हैं. Then this will become I3 plus I1 dot I2 complement, right? In this way you can find these expressions. Okay, now in this case I've assumed this kind of priority, but it can also happen that सम अदर प्रायोरिटीज डिफाइंड फॉर यू. आप सभी के लिए कुछ और प्रायोरिटी डिफाइंड हो सकती हैं. आप अपनी अकॉर्डिंगली यहाँ पर कुछ प्रायोरिटीज़ को भी डिफाइन कर सकते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड एज प्रायोरिटी एनकोडर्स. ओके, तो आपको पता है व्हाट इज़ अ प्रायोरिटी एनकोडर, नो व्हाट इज़ अ एनकोडर, एंड यू कैन ऑल्सो सी दीज इम्प्लीमेंटेशंस हियर. आप इस तरह की इम्प्लीमेंटेशंस को यहाँ पर भी देख सकते हैं. सो व्हेन आई वांट टू क्रिएट अ 4x2 एनकोडर, इन दैट केस व्हेनेवर दीज वैल्यूज आर वाई जीरो, दिस इज आउटपुट जीरो इज वन, सो अकॉर्डिंगली we get the outputs as, if input 0 is 1, then the outputs are 0, 0. If input 1 is 1, then outputs are 0, 1. If input 2 is 1, then outputs are 1, 0. If input 3 is 1, then outputs are 1, 1. So, इस तरीके से आप यहाँ पर inputs और outputs की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं. I hope you understood this, and based on this, you can make a circuit, और उस circuit को भी आप बना सकते हैं. Okay? Now, generally, all of these things, ये जो सभी चीज़ें हमारे पास हैं, we have multiplexers, we have demultiplexers, we have encoders, we have decoders, all of these things we give, call them as ICs. ICs means integrated circuits. So for example, if we have a 16x1 multiplexer, so it is having some IC number. In the same way, when you have 8x1 multiplexer, it is having some IC number. When you have this demultiplexers, so this is 1x16 demultiplexer, it is having some IC number.